मैं विधान साहब मैंने गुजारिश की थी मकान साहब, और ये रवायत भी रही है कि इलेक्शन से पहले एक तनकीदी जायजा लिया जाता है सबका बॉडी का। अगर किसी 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 जी शऊर फर्द को कुछ बोलना हो तो वॉलंटियरली आगे आए, मैं माइक देता हूं उनको, वो यहां पे अपने ख्याल नवाजें जो भी तनकीदी, और दो मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद हम नामिनेशन वगैरह का काम शुरू करेंगे और फिर बाकी कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं इनसे भी दरखास्त करूंगा कि अच्छी अपनी बात मुख्तर करें, टू द पॉइंट करें। विजय साहब इनके लिए इनके लिए इनके लिए तारे। ढाई मिनट ले लेंगे सर। अच्छा चल चल, कोई रेस्पेक्ट है, दो मिनट में ही कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है यहाँ माहौल ही कुछ डिफरेंट। जी बिल्कुल सर, बस एक दो ख्याल अपने पेश करूँगा। रेस्पेक्टेड माइक विजय जी ऊपर रखना, माइक माइक। हेलो, हाँ रेस्पेक्टेड सीनियर हजरात और मेरे प्यारे कलीग्स, नाउ इस बार हमें और डियर कलीग्स, आज बहुत ही एक बहुत बहुत ज़्यादा अहम मौका है हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का गठन के लिए, भी थोड़ा हम इस्तेमाल करेंगे, गठन होने वाला है। वो जो हम सब लोगों का फ्यूचर संवारने और संभालने की जिम्मेवार, मैं खुद को एक फिलहाल के लिए एक नया चेहरा ही मानता हूँ, क्योंकि किश्तवाड़ में अपनी फ्रेटर्निटी में मैंने काफ़ी टाइम बाद वापसी की है। अनफॉर्चुनेटली शुरुआत में ही मुझे कहीं और भेज दिया गया और रेवेन्यू फ्रेटर्निटी के साथ काम करने का मौका ना मिल पाया, और एसोसिएशन की जो भी कारकर्दगी उस दौरान रही मैं उसका हिस्सा ना बन पाया। हालांकि जज्बातों से हमेशा मैं एसोसिएशन के साथ था, अपने मेम्बरान के, अपनी फ्रेटर्निटी के साथ। आज मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखने को मुझे अक्सर यही मिला कि बहुत सारे मेम्बरान जो हैं हमारे एसोसिएशन के, वो हमारी एसोसिएशन की अहमियत को बहुत कम समझते हैं। सिर्फ नाम भर के लिए एसोसिएशन को मानना वो हमारे एसोसिएशन के गोल को कभी सर्व नहीं कर पाएगा। बेशतर लोग जो हैं जिसे एक सिंपल सी एक बॉडी मान के इससे जो चीज़ें हो पाएंगी वो करेंगी, लेकिन एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक इमोशनल अटैचमेंट इसके साथ रखना वो देखने को बहुत कम मिलता है, और जिनमें है तो वो ज़रूर आगे आते ही आते हैं। मैं भी जज्बात में आके मैंने अपना नॉमिनेशन डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए किया है, और मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा सभी अपने वोटर हजरात से कि मैं अपील नहीं कर पाया हूँ, वोट अपील नहीं कर पाया हूँ, तो इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करें, और मेरी मसरूफियत की वजह से, दफ्तर की मसरूफियत की वजह से मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। जहाँ तक तनकीदी जायजे की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विद ड्यू रेस्पेक्ट और बिना किसी तकलीफ के, किसी भी मतलब इन पर्टिकुलर नहीं बल्कि इन जनरल मैं बोलना चाहूँगा कि जो एसोसिएशन का एक पर्पस है, मोटिव है, वो मुझे जो उसका मोटिव होना चाहिए वो मुझे अभी तक दूर दूर तक कहीं उसका वास्ता उसके साथ नहीं दिखा। हमारी एसोसिएशन का मकसद है वेलफेयर एंड ओनली वेलफेयर, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, दूसरा एक है कि भाई स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट वगैरह वो सब वो एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जब हमें उस स्टेप पे जाना पड़ता है, लेकिन एसोसिएशन का दिखना उन्हीं खास मौकों पर, ये एसोसिएशन हमारी एसोसिएशन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा पहला नारा यही रहेगा कि एसोसिएशन को रिफॉर्म्स की सख्त 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 जरूरत है, और वो रिफॉर्म्स किन तरीकों से होंगे, मुझे पहले भी एक बार पिछली स्ट्राइक में बोलने का मौका दिया गया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे ख्यालों में
मैंने अपनी एसोसिएशन के लिए कुछ बेहतर चीज़ें सोची हुई हैं, जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आईन में जो चीज़ें दर्ज हैं वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। हमें ये जो पार्टी कल्चर वगैरह, नाच नगमा, इन सब चीज़ों से बाहर आना होगा। पार्टीज वगैरह हमें बिल्कुल देनी है, लेकिन हम उन ऐसे खास मौक़ों पे जब हमारी अपनी बिरादरी, हम अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों की सबकदोशी होती है, और एक फॉर्मल तरीके से हम लोगों में उतनी सलाहियत है कि हम एक ऑफिस, मतलब ऑफिसराना अंदाज में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन नाच गाना ये सब चीज़ें वो शायद शोभा नहीं देता, और एसोसिएशन का वो पर्पस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिफॉर्म्स में ये चीज़ है, सपोज हर महीने डिस्ट्रिक्ट बॉडी का मिलना, क्वार्टरली बेसिस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का मिलना, वो चीज़ें तो देखने को मिले ही नहीं। कि मिली? नहीं मिली, मैंने तो नहीं देखा बिल्कुल भी। हमारा एसोसिएशन का कोई विजन नहीं है, कोई रेजोल्यूशंस नहीं है, तो इन सब चीज़ों की गैर हाजिरी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कि भाई सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे खलती है वो ये है कि इमेज क्राइसिस बहुत बड़ा है पटवारी साहिबान के साथ और पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन नायब तहसीलदार को से नीचे जो भी हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस इमेज बिल्डिंग पे हम कैसे काम करें, उसका तो एसोसिएशन के साथ कोई विजन है ही नहीं, ना उसके बारे में कोई बात करता है। तो एसोसिएशन का असली पर्पस वही होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हार जीत की बात अलग है, मुझे पता है मेरी हार निश्चित है इस इलेक्शन में, क्योंकि हार जीत का अगर बात होती है तो 50-50 प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ कि 90-10 प्रोबेबिलिटी या 90% चांसेस मेरे हारने के हैं, क्योंकि मुझे मौका बहुत कम मिला है काम करने का या अपनी अपनी एबिलिटीज को शो करने का। लेकिन हारने के बावजूद भी हारना मेरे लिए छोटी बात है, और हारने को मैं लर्निंग का सबसे बड़ा काज मानता हूँ। सक्सेस इनवाइट सेलिब्रेशन, एंड सेलिब्रेशन हैज वेरी लिटिल स्कोप फॉर लर्निंग। हाउएवर फेलियर, सर प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नो प्लीज, जस्ट दे दे दे, नहीं सॉरी। एक्चुअली हमारे मेहमान हाजरा तो जम्मू से आए हैं, हमारे सबका सदर और प्रांचल सदर अभी आने वाले हैं, हमारे तहसील प्रेसिडेंट माजिद साहब, निसार साहब, सभी सीनियर हजरात हैं, हमारे आबिद साहब, मुबशर जी, और आरिफ साहब, मीर तनवीर साहब, उजैर जी, ये जाएं उनको गेट तक उन्हें रिसीव करें।